हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वहां साइक्लोन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जरा तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए विजय के महोत्सव में भी मैं तो यही कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना, प्रशासन को पूरा साथ देना। और यही एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार होते हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। साथियों, सबके प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। मुझे देश की अमृत पीढ़ी पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य एक है, साधना एक है, सपना एक है। भारत विकसित होकर रहेगा, इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। जो भी विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवीय आशा अपेक्षाओं को पूरा कर पाए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मैदान में जो लोग मेहनत कर रहे थे उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।